आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज टच पैड, के टच पैड क्या है और टच पैड किस तरह काम करता है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आ टच पैड इज एन इनपुट डिवाइस, ये हमारे पास इनपुट डिवाइस होती है, इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होती है टच पैड। इट इज अ स्मॉल फ्लैट सरफेस ओवर विच द यूजर मूव हिज फिंगर, के हमारे पास एक फ्लैट सरफेस सीधी तरह की होती है, यूजर जिस पे यूजर क्या करता है मूव हिज फिंगर, अपनी फिंगर्स को हरकत करता है, ऐसे इस पे टच पैड पे यूजर अपनी फिंगर को हरकत करता है। द मूवमेंट ऑफ फिंगर्स मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन, ये हमारे पास इधर है मूवमेंट ऑफ फिंगर, के यूजर जैसे जैसे अपनी फिंगर्स को मूवमेंट देगा मूव करेगा क्या होगा, मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन स्क्रीन, के स्क्रीन के ऊपर हमें एक कर्सर हरकत करता हुआ नजर आएगा। इट इज ऑल्सो नाउन एज ट्रैक पैड, टच पैड को हम ट्रैक पैड भी कहते हैं। अ टच पैड हैज वन आर मोर बटन नियर इट, टच पैड के ऊपर हमारे पास एक बटन भी होता है, एक से ज्यादा भी होते हैं, दो भी होते हैं, तीन भी होते हैं, मुख्तलिफ बटन हो सकते हैं। ये आपके पास मैंने एक लैपटॉप की कीबोर्ड बनाया है, यहाँ पे हमारे पास सब बटन होते हैं लैपटॉप के ऊपर, यहाँ पे हमारा हमें एक टच पैड मिलता है जिसपे हम क्लिक्स वगैरह करते हैं, तो ये हमारे पास टच पैड होता है। आपने लैपटॉप इस्तेमाल किया होगा, देखा होगा कि ये कैसे वर्किंग करता है, इसका एक लेफ्ट बटन होता है एक राइट बटन होता है, जैसे जैसे हम इस पे फिंगर की मूवमेंट करते हैं तो स्क्रीन पे कर्सर हमें मूवमेंट करता हुआ नजर आता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह।